राजस्थान के एक छोटे से ग्राम की विद्यालय का स्वरूप एक शिक्षक प्रकाश कुमार प्रजापत के प्रयासों से बदले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाली जिले के बाली तहसील के नाणा के निकट रामपुरा ग्राम पंचायत के रमता नाड़ी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक प्रकाश कुमार प्रजापत प्रतिनियुक्ति पर जाने पर विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की कमी नज़र पर प्रकाश कुमार संस्था प्रधान रामाराम के साथ लेकर बामा साहू की सहायता से विद्यालय का स्वरूप बदलने में सफल हो गए। इस सरकारी स्कूल को देखकर आप चौंक जाएंगे कि यह स्कूल है या रेलवे स्टेशन। स्कूल को अलग पहचान देने के लिए इसे एजुकेशन ट्रेन के रूप में विकसित किया गया है। स्कूल को ट्रेन के डिब्बे के रूप में कमरों को कलर किया गया और इसे रेलगाड़ी का रूप दिया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रमता नाड़ी के सरकारी स्कूल के अंदर जाते हैं तो लगता है कि किसी रेलवे स्टेशन में घुस रहे हैं। भामाशाह की मदद से करीब 1,27,000 रुपये खर्च इसको तैयार किया गया है। स्कूल को देख कर यही लगता है कि यह ट्रेन यहाँ कैसे खड़ी है। स्कूल का पूरा कार्य भामाशाह की मदद से किया गया है। संस्था प्रधान रामाराम ने बताया कि करीब 1,27,000 रुपये का खर्च आया है। उन्होंने बताया कि बामा साहब को प्रकाश कुमार प्रजापत ने प्रेरित किया। स्कूल में 39 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों में क्रेज है कि ट्रेन वाले स्कूल में पढ़ेंगे। अभिभावक भी स्कूल के मॉडल को देखने के लिए आते हैं। स्कूल को जब ट्रेन का लुक देने की योजना बनाई तो रुपए नहीं थे। बामा साहू ने मदद करनी शुरू की तो लुक बदल गया। सरपंच कैलाश ग्रासिया ने भी अध्यापक प्रकाश कुमार और संस्था प्रधान रामाराम द्वारा दानदाताओं के सहयोग से विद्यालय के लिए किए गए पुनीत कार्य की सराहना की। ये कर वो कर याद करिए ये कर हमें ये करो अगर